दोस्तों स्वागत है आपका दिल्ली सीरीज के हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम फिर एक नई जगह पर आ गए हैं। दिल्ली की भीड़ बढ़ा के शोर भरे जगहों से हटकर, वहां के बिजी बाजारों से हटकर एक नई जगह पर आ गई हूं मैं। और इस जगह का नाम है लोधी स्ट्रीट। ये इसको लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत आर्ट बनाई गई है, और इसी तरह की यहाँ पर एक पूरी कॉलोनी है। तो ये जगह खास फोटोग्राफर्स में पॉपुलर है और फोटोग्राफी के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरी और स्वागत है आपका आपके चैनल टंकी फुल में, मेरा भारत मेरी नजर से। इस आर्ट स्ट्रीट को देखने की एक्साइटमेंट में मैं सुबह 10 बजे मेट्रो से पहुंची जोरबाग मेट्रो स्टेशन, और वहां से ऑटो पकड़कर आ गई लोधी स्ट्रीट पर, जहां ऑटो से ही मुझे ये खूबसूरत पेंटिंग्स दिखनी शुरू हो गई थी। बट इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट मुझे नहीं मिला, जहां से शुरुआत से मैं इन्हें देखना शुरू करती। कोई मेन जगह भी है बाबू जी? ये पेंटिंग सारी जगह और रखी है या कोई मेन जगह है यहाँ पे ऐसी? तो ऑटो वाले ने कहा कि यहाँ सभी जगह यही पेंटिंग्स हैं, तो मैंने भी उतर कर रैंडमली देखना शुरू किया इन पेंटिंग्स को। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ उन्हें देखना। पूरी वॉल पर बनी ये पेंटिंग्स बहुत ही सुंदर हैं। ये देखिए कितनी कलरफुल हैं। इसमें ज्यादातर भारतीय महिलाएं हैं, जो बहुत ही सुंदर लग रही है ना। वाव, ये वाली तो और भी सुंदर है। देखो ये बंदर कितना प्यारा लग रहा है। इस पेंटिंग में गांव का कल्चर नजर आ रहा है, और गांव की वेशभूषा में ये औरत और आदमी। लेकिन ये बंदर यहाँ क्या कर रहा है? चल हट हट। ये पेंटिंग तो मुझे कुछ 3D आर्ट टाइप की लगी, कितनी रियल लग रही है। इसके बाद ये कुछ बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स आई, कुछ मॉडर्न आर्ट टाइप्स कलरफुल पेंटिंग्स। इन्हें पहचाना? पंडित बिरजू महाराज की ये पेंटिंग वाकई में काबिले तारीफ है, बहुत ही अच्छी बनाई गई है। क्लासिकल डांस के गुरु। हर पेंटिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग लेकिन बेहद लाजवाब है। इन्हें पैदल घूम के ही अच्छे से देखा जा सकता है। धूप तो बहुत तेज थी लेकिन मैं भी चलती गई। यहाँ पर आने के लिए तो हम काफी एक्साइटेड थे, लेकिन धूप में घूमते घूमते बहुत ज्यादा थक गए हैं और बिल्कुल बैंड बज गई है। गर्मियों में धूप में ये बिल्कुल एरिया घूमने लायक नहीं है। शाम को तो फिर भी आप आ सकते हैं। पेंटिंग्स काफ़ी अच्छी लग रही हैं देखने में, लेकिन शाम का टाइम इसके लिए ठीक रहेगा। दिन में तो बहुत ज़्यादा थकान और गर्मी हो रही है, तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगर आपको आर्ट में और फोटोग्राफी में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये जगह आपके लिए थोड़ी बोरिंग हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, कॉलोनीज है, ब्लॉक्स में बटी हुई हैं, और चलते चलते आप थक जाएंगे। तो हम भी बहुत थक गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा तो हम शूट नहीं कर पाए, इसलिए हम वहाँ से निकल गए। तो इस 15 अगस्त को मैं जा रही हूँ अटारी बॉर्डर स्वतंत्रता दिवस की परेड देखने, जिसका वीडियो अगले संडे आएगा। तो उस वीडियो को आप सब ज़रूर देखिएगा। मिलूंगी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।